जो तालाब है उसमें खनन चोरी करके डाले गए और नेता लोग बोल रहे कि इससे हमने सड़क बनाई। क्या बनाई है ये खनन चोरी? गांव में जल भराव की स्थिति, टकरावदा गांव वाला है, गांव में जल भराव में आंखों से देख के आया हूं, फोटो खींच के आया हूं, गांव में जल भराव की स्थिति हो गई। सब इसमें खनन अधिकारी हमारे पास भी शिकायत आई थी तो हमने प्रधान डायरेक्टर को बुलाया था, व्यक्ति को उसके पास परमिशन थी, फिर भी लोग कितनी परमिशन थी सब कितना होगा, फिर भी हमें सोलंकी संजय सोलंकी जो अधिकारी है अजीमाबाद पार्टी भी गए हैं, वो दो दिन पहले ही वहाँ जाके उन्होंने क्लियर इसको परमिशन गांव डूब में आ जाए ऐसी परमिशन देगा कोई खदन की? ये तो यार संबंधित विभाग ने जारी की है, जिला आप मुझे जिला खड़े जवाब ले लेंगे। हमने आपकी जो मौके का आपत्ति है उसके आधार पर 50 ट्राली रोड में डाली और 3000 डंपर वहाँ पे डाले केमिकल डिवीजन के पीछे तालाब में, और 3000 डंपर की राइट की भी नहीं थी, राइट की भी चोरी करी है, वो पूरा गांव खोद गया वो भी ठीक है, लेकिन गांव खोद गया गांव जल भराव की स्थिति में आ गया इसमें जवाब ले न तो रहने लायक लोग बचे और न व्यवसाय करने लायक लोग बचे, रहने लायक लोग बचे ना व्यवसाय करने लोगों की जिंदगी तबाह कर दी साहब अवैध खनन ने। और अवैध खनन के फोटो देखो ना साहब, कितने बड़े बड़े खनन किए, कितना बड़ा बड़ा खनन है साहब, लूट डकैती हो रही खनन की देखो ना फोटो तो देखो आप, इनको बताओ फोटो के पीछे फोटो देखो साहब, कितना बड़ा लूट हो गई, डकैती हो गई, डकैती डाल रहे हैं लोग। और वो बेचारा एक छोटा सा उसने उसने कर लिया था, उसने दो बार आपने उसको बुला के तो चमका दिया, ये खनन गलत है मेरे सामने, और इतना बड़ा खनन है आप उनको बुला के केस में चमका दे नहीं सर, छोटे को चमका और बड़े के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना, वो छोटे ही था साहब, और ये गलत बात है साहब, आप ग्रेसिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती साहब, यहाँ हमारा ये कहना है 3000 डंपर गए गांव के लोग खुलेआम बोल रहे हैं, इसको छोटा बोल रहे हो, 3000 डंपर गए वहां से, 3000 डंपर की चोरी हुई, देखो ये जिन परमिशन दी है इसमें नहीं परमिशन, 3000 डंपर की परमिशन नहीं, आप परमिशन निकाल के देखो, आप बताओ कितनी परमिशन दी आपने, ये तो खनिज विभाग की जारी की है, खनिज विभाग को नहीं नहीं साहब वो बहुत बड़ी डकैती है, डकैती साहब बहुत बड़ी है, ऑफिस वाली बात मत करो साहब, हम फील्ड के लोग हैं, हम झूठ नहीं बोलते, क्या समस्या होती वही बात करते हैं, जैन कॉलोनी में आप समस्या उड़ा रहे हो, विजिट कर लीजिएगा, विजिट करिए आप, करिए आप ना चोपड़ा जी को भी ले जाइएगा, चलिए मैं तो रोज सुबह मंदिर पूजा करने जाता हूँ, सब तीसरा नामांतरण नहीं कर रही लोगों का, गैर कानूनी वसूली के लाने अगर लीगल है तो क्यों नहीं करती है नामांतरण, लीगल है नामांतरण, हम नहीं बोलते हैं आपका जीता पार्षद प्रकाश जैन बोल रहा है ये बात, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका नामांतरण नहीं कर रही है, लोगों का लीगल है उसके बाद भी नामांतरण नहीं कर रही, कानून है इसके बाद भी नामांतरण नहीं कर रही, मैं तो विपक्ष के आदमी हूँ लेकिन प्रकाश जैन, लेकिन प्रकाश जैन तो पार्षद है और इन्हीं की पार्टी का आदमी है, वो इन्हीं की पार्टी का आदमी है, सत्ताधारी दल का आदमी है, नगर पालिका के प्रशासन में बैठा है वो आदमी है, वो खुद बोल रहा है कि नामांतरण नहीं कर रही नगर पालिका, हमारा ही लेकिन नगर पालिका सब अब एक अभी आपकी